देख लीजिए चश्मा कैसे लगा रहे हैं, ये देख लीजिए भाई साहब ने एयरपोर्ट लगा रखा है, अब इनका क्या ही कहना। इन भाई साहब को देख लीजिए, ये दिखा रहे हैं भाई एप्पल, दिखा रहे हैं कटा हुआ एप्पल, मतलब गरीबी की हद होती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग चलने वाले हैं गोपालगंज के साबिया फील्ड में, और आज हमारे साथ है अभिषेक, शुभम और आदित्य। तो गाइस बहुत मस्ती करने वाले हैं, मजे करने वाले हैं, और मैंने बुलाया स्पेशली शुभम को कि आज मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, तो चलो भाई थोड़ा बहुत मजे भी करेंगे। वहाँ हम लोग डेली साथ में ब्लॉग, हाँ साथ में ब्लॉग तो वैसे डेली बनता ही है, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब अलग तरह का ब्लॉग बनने वाला है, अलग ही क्रेज रहेगा। I'll be your anything if you be the one to take me home, 'cause right now everything makes me wanna leave this place and roam. गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से जहाँ तक नजर दौड़ाए हम लोग, चारों तरफ ये जो फील्ड है वो पूरा का पूरा जो है साबिया एयरपोर्ट ही है। वो चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा साबिया एयरपोर्ट के अंडर में ही आता है। आपको और आगे लेके चलेंगे हम, यहाँ से देख लीजिए चारों तरफ, समझ लीजिए कि जहाँ तक हमारी नजरें जा रही हैं पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही है। तो गाइस तो फाइनली हम लोग साबिया एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, और हम लोग अभी खड़े हैं रनवे पे। आप देख सकते हैं रनवे पीछे में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चारों तरफ यहाँ से सीधा पीछे दूर तक जहाँ तक दिखाई दे रहा है, और फिर आपको सीधा इधर के तरफ पीछे की तरफ दिखाते हैं, इधर भी आपको दूर तक रनवे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी एक्चुअली लोग रेगुलर गाड़ियाँ सीखने आते हैं, फोर व्हीलर सीखने आते हैं लोग, पिकनिक मनाने भी 1 जनवरी को बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। और सामने में आपको मैं दिखा दूँ कि आपको ये सामने देखिए गाइज, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये कंट्रोल रूम रहा होगा उस समय का एयरपोर्ट का। आपको ये बता दें कि ये जो एयरपोर्ट है ये डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और हथुआ राज के कोलैबोरेशन के द्वारा बना हुआ था, हथुआ राज की मदद के द्वारा ये बना हुआ था एयरपोर्ट। और अभी मतलब एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो एरिया इसका है 517 एकड़ में ये फैला हुआ है एयरपोर्ट, लेकिन बहुत सारा हिस्सा आप देख सकते होंगे कुछ दूर से जो गाँव वाले हैं, बहुत सारा हिस्सा इन लोगों ने अधिग्रहित कर लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव कर दिया है, जिसके वजह से अब सारा जो अधिग्रहण है वो हटा के यहाँ पे फिर से एयरपोर्ट जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारे मतलब सिवान ज़िले से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक एक एयरपोर्ट हो जाएगा।
कि ये जो एयरपोर्ट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स वगैरह अभी है नहीं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा तो जल्द ही सारी चीज़ें फिर से पहले की तरह हो जाएंगी, और मतलब हम लोगों के लिए कहीं दूर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी कि एयरवेज के रास्ते हम लोग बहुत ही आसानी से दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। गाइस, ये चाइना बॉर्डर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होने के वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एयरपोर्ट भी है, और इसका सबसे पहले मतलब जो यूज़ किया था वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किया था वर्ल्ड वॉर टू के समय में। ये हथुआ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये जो एयरपोर्ट है, और गोपालगंज ज़िले में आता है ये। हम गाइस ब्लॉग बनाते बनाते हम लोगों को भूख लग चुकी थी, तो अभी हम लोग मीरगंज का फेमस पड़किया खाने आए हुए हैं। बोलू पड़किया ले रहा है, देख इधर देख लो भाई, इधर देख लीजिए गाइस, यहाँ पे मीरगंज का फेमस पड़किया स्टॉल है, ये आपको दिखा दें। यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हैं मीरगंज का फेमस पड़किया स्टॉल, यहाँ पे हम अभी हम लोग आए हुए हैं खाने। पड़किया बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, हम लोगों का खुद का लाइन बहुत देर बाद है, और वैसे पड़किया आ चुका है और अब होने वाली है पड़किए पे मार। ये देखिए ये जो डॉगी है पड़किया देख रहा है अभी। अरे हाँ देखो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे हम। और देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोगों को ये दोपहर के बाद मिला हुआ है देर के बाद। खा रहे गाइस पड़किया, बहुत टेस्टी पड़किया, बहुत गरम गरम पड़किया, देख लीजिए सब कैसे मुंह जल रहा है इन लोगों का। ये देखिए शुभम को देख सकते हैं आप लोग कैसे खा रहा है पड़किया, लगा दे रहे खाने के चक्कर में ब्लॉग बनाना छोड़ दिया। देखिए भाई बहुत महंगा, बहुत मजा आया। सो गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको लगातार मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।